हमेशा लोकां दे हक्कां दी आवाज बुलंद कर अते सरकार दीआं नीतियां ते खास नज़र देखो हर खबर अपडेट पंजाब न्यूज़ ते। 27 साल बाद अपने जद्दी घर वापस आए NRI ने अपने घर के सामने बनी गली विच कब्जा करके बनाए गैर कानूनी तरीके नाल बाथरूम नूं हटाए जाण दी नगर कौंसल तो मंग कीती है। इस संबंध में NRI सोढ़ी सिंह ने कहा कि तकरीबन वह 27 साल बाद अपने घर वापस आए है, पर जो वह घर वापस आया तो उसके घर के मोहरे पैंदी गली विच कब्जा करके गवांढी कुलवंत सिंह उर्फ काला ने नजायज़ तौर पर बाथरूम तैयार कर लिया है। अते जो कुलवंत सिंह नूं कहा कि यह गलत है अते बाथरूम का पानी भी सड़क पर खड़ा हो जाता है जिस नाल उन्हां नूं अंदर बाहर जाने विच तकलीफ हुंदी है। NRI सोढ़ी सिंह ने प्रशासन तो मंग की है कि यह बाथरूम इत्थों हटाया जाए। इस संबंध दे विच जदों पत्रकारा ने कुलवंत सिंह उर्फ काला तो पूछा तो उसने कहा कि उसने कोई कब्जा नहीं किया। इस बाथरूम का केस पहला भी किसी होर नाल चल रहा है, जो अदालत दे फैसला होएगा वह हिसाब नाल बाथरूम हटा दिता जाएगा। इस संबंध में जदों नगर कौंसल के प्रधान नाल गल की तो उन्होंने कहा कि यह मामला पुराने प्रधान के समय का है तो इसका केस भी चल रहा है। जब तक वो केस अदालत में चल रहा है उस टाइम तक इस संबंधी कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ जी सर, की तुसी अज कट्ठे होए आ प्रॉब्लम कद ली आ? मैं NRI हाँ, 27 साल बाद अमेरिका तो आया हाँ, मैं सिटीजन अमेरिकन। साढ़े घर के अगे आ बाथरूम सरकारी गली दे विच बनाया आ, तो मेरे कहते जो मैं कहना हाँ तो गाली गलोज करते। कौन करता गाली गलोज? कुलवंत सिंह सन अमेंद्र सिंह वो गाली गलोज करता। वो कहता भी ये मैं जान के मेरा हक बनता भी मैं मेरी जगह आ। चार दुवारी तो बाहर बाथरूम गली दे विच बनया, मेरे घर के अगे आ सारा कच्चा आ, सारिया के घर पक्के आ। सिर्फ NRI करके मेरी मदर इतने रही सी, 2018 के डैथ हो गई। डैथ होने तो बाद 4 साल बाद मैं आया इंडिया सिटीजन हो गया। जो बाथरूम ये कहते हैं इधर मारियो माड़ा जा, तुम ये कहते हैं कि जो सरकारी गली लगती है गली के बिच पाया इन्हें है ना बाथरूम? हाँ जी बिच पाया। ये गलत है ना? ये कहते हैं कानूनी तौर पर गलत है? गलत है ना। तो यही दिक्कत करके कहें कि यह गलत किया ना काम ये? हाँ जी मैं कहना गलत किया। मैं घर बना इतने गेट रखना है, मूहरे सारी जगह ब्लॉक हुई हुआ। अच्छा जी। संडे ऐतवार वाले दिन ईसाई परिवार इधर रेंदे आ, उन्हों का प्रोग्राम होंगे, उन्होंने गड्डिया खड़दी, उन्होंने बहुत प्रॉब्लम आँदी है। मेरे बूहे मूहरे गड्डी ला के जाते हैं, सानू लंघन का भी प्रॉब्लम आँदी है। फिर जिदन मैं आया गारे ना सारा भरया होया, इन्हें अंदर बोल कराया, रेहड़िया के गारा लद के इतने सटिया। बाथरूम लैटरीन का पानी सारा इतने आता, ये झाड़ू ना कढ़ते, मेरी ताकी ना जा लगता पानी। अच्छा जी ताकियाँ नीवा आया ना मकान थोड़ा जहा? ये मकान इस तरह नीवा होया, इतने बहुत वड्डी मिट्टी की ढेग सी, मसीत दे इटा उटा सारिया मसीत ढिठी हुई सी, इन्होंने उ मिट्टी इधर सैट के मेरे घर वाल उपर गली बनाती, तो मेरा घर नीवा हो गया। बाकी सारिया ने जो परिवार इतने रेंदे सी उन्होंने सही मूहरे गली बनी आ, बराबर देख के सब कुछ ठीक होया। मेरे घर के अगे सारी ये प्रॉब्लम आई आ, सारा पानी इकट्ठा होंदा इधरों गोहा विशाल पानी जो इकट्ठा होया जिदा इदा तुम कहते? ये तो कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होंदा है। अच्छा। ये तो थोड़ा आया हूँ गर्मिया करके, जिदन मैं आया उदन थोड़ी जी ठंड सी, उदन तो सारा भरया आया पानी के नाल। ये कितों पानी आता मतलब? ये ओवरफ्लो भी हों, अंदर नहाँदे आ, कोई पानी का प्रबंध नहीं, सीवरेज में कोई पाइप नहीं पाया, कुछ नहीं पाया। कोई कंप्लेट नहीं की हैगी? मैं सारे ऑफिस जा चुका, कमेटी घर भी जा चुका, NRI ऑफिस भी जा चुका, पर मेरी किसी ने बाह नहीं फड़ी। तो इस करके वो ये कहते तू 2.5 महीने रहना आ, रह के तू वापस मुड़ जाना, तू कानू लड़ाई पाना आ। जे असी 2.5 महीने मेरी प्रॉपर्टी आ, मेरी इतने जमीन आ, तो मेरा घर आ, जे इंडिया वाले मैनू इदा कह लग पाए पंजाब वाले, तो असं NRI किदा आ सकते पंजाब? ये तो गल गलत आ, पर चलो ताडा मकान आ, ताडी यही मांग आ कि जो बाथरूम आ गलत बनया ना। हाँ बाथरूम गलत बनया, इन ढोया जाए, ढोया जाए। हाँ जी ठीक है। बाकी हूँ मैं इतने सिटीजन उत्थे हो गया, पेंश पैसे मैनू लग गए, पेंशन लग गई आ, मेरा इतने रहने का इरादा भी पंजाब जाके रव, मैं पंजाब नू खुशहाल मंगदा। ओके मतलब कि तुसी ये ताडे मन की मंशा आ कि तुसी जिहड़ी पेंशन ताडी लग गई पर तुसी जिहड़ी लाइफ बाकी दी आ इंडिया कटनी चाहुंदे आ? हाँ पंजाब कटनी चाहुंदा आ। इतने फिर तुहानू आ प्रॉब्लम आ रही आ? मैनू ये बाथरूम की प्रॉब्लम आउंदी, मैं इतने घर बनाउणा आ, घर बना के गेट इधर नू रखना आ, इस करके मैं गेट भी नहीं रख सकदा, कल नू मेरे रिश्तेदार आउंदे आ, गड्डी गांह कित्थे खड़ी करनी आ। मेरे घर के अगे सिर्फ इनिया इटा लाइया, बाकी सारे के घर अगे इटा लगिया आ। अच्छा ये भी तुहानू एक हैगा गिला कि सरकार ने जिहड़ियां इटा लाइया आ
हाँ मेरे दरवाजे मूहरे लाई नहीं कोई भी, सारा कच्ची जगह आ, ये पानी ना भर जाता हूँ। इतने मिट्टी इन्होंने अंदरों कट के बोर करा के गारा सटिया वो जमी आ, तो माड़ा जहा बराबर होया लगता, नहीं तो इतने टोआ पे आया सगा। आ देखो भंग कि उगी हुआ, दरख्त आ गया आ, आ इटा का ढेर सी इतने बाथरूम के नाल। सर मेरे घर के मूहरे जिदा कंप्लेट भी की, हाँ पुलिस कंप्लेट भी की, कमेटी च भी गया, एन आर आई ऑफिस गया, तो एम एल ए टांडा को भी गया, उन भी गया, तो एक हुशियारपुर एम एल ए को नहीं गया, सारे को गया, किसी ने मेरी बाँह नहीं फड़ी। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प की जाए, तो ये बारे देखा जाए, इन ढवाया जाए। ठीक है, ताडे कहने का मतलब कि ये गलत रोंग आ, सरकारी जगह च लगा इन ढवाया। हाँ जी, ये सरकारी जगह के बच्चे लगा आ, ये कानूनी तौर पर गलत आ। ठीक है जी, आप पिंड के मोहतवार बंद भी पुछ लें ताडे महल के। हाँ जी सर, तुम की कहना चाहते इस मैटर? हाँ जी, जो बनाने लगे से इतने लोगों ने विरोध किया, क्योंकि गली दे विच आ, ये पूरी सरकारी गली है, तो कमेटी वाले को असी भी गए कई बार, कंप्लेंट भी दी, नोटिस भी उत्तों कढ़े आ उन्होंने, पर कमेटी वाले भी कहें कि मानता नहीं, मानता नहीं, तो इसलिए ये गैर कानूनी रोड दे विच बनिया। सानू बहुत दिक्कत आती, जिदा बस कोई भी इतने स्कूटर मोटरसाइकिल गड्डिया लिए बहुत समस्या है। एक बार पिछे जो भी गल हुई सी यह बाथरूम की, उदो भी कहते शायद पब्लिक बाथरूम ले यूज होना है, पब्लिक के लिए जो होना तो फिर यदा दरवाजा पब्लिक च इधर बाहर कढ़ दें। हाँ, दरवाजा तो नहीं अपने अंदर कढ़िया आया, दरवाजा नहीं, पानी इधर बाहर कढ़िया, गली ये पानी नाल भरी रहती है, गंद इतने पिया ही रहता है, और इन्ना ही नहीं दूजे पासे पब्लिक पब्लिक लिए नहीं यूज हो रहा, कुछ पब्लिक लिए नहीं है, पब्लिक इतने है ही नहीं, कोई नहीं आता इतने। ठीक है, ये निजी उन्हों का आ, कोई पब्लिक नहीं है, पर पब्लिक नु समस्या जरूर आ रही है। मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਰੱਖਿਆ? ਘਰ ਚ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੋਲ ਦੇਵੇ, ਪੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਕਿ ਲਾਏ, ਤਾਲਾ ਨਾ ਲਾਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਲਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਆ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਨਾ ਸੀਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਸੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਗਈ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੁੜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੁੜੀ ਰਹੀ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੁੜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਅਈ ਇਹ ਕਿ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਗਲੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਢੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ 'ਚ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਾਥਰੂਮ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਸਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਤੋੜ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਆਏ ਉਦਾਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਿਰਸੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਕੇਸ ਇਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ? ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਕੇਸ ਜਲੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਈ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆ? ਪਰਸਨਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।